वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं 2022 के लिए। ये लघुतर प्रश्न है, ठीक है। इसका इस नोट्स का जो लिंक है वो आपको, इसका पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक समाजशास्त्री विचारधारा का विकास किस प्रकार हुआ है, ठीक है। भारत में आधुनिक समाजशास्त्री विचारधारा का विकास किस प्रकार हुआ है, तो आंसर है इसका, भारत में आधुनिक सामाजिक चिंतन का सूत्रपात महात्मा गांधी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, एमन राय, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, विनोबा भावे आदि के विचारों से हुआ। इसे समाजशास्त्रीय विचारधारा के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य डॉक्टर जी एस घुरिए, ठीक है, यहाँ पे घुरिए है, घुरिए, हर्बर्ट रिजले, इरावती कर्वे, डॉक्टर हट्टन, डॉक्टर एम एन श्रीनिवासन, डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी, डॉक्टर ए आर देसाई, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर डी पी मुखर्जी आदि ने किया। हर्बर्ट रिजले, डॉक्टर हट्टन और मजूमदार ने भारतीय जाति व्यवस्था का व्यापक अध्ययन करके यहाँ की सामाजिक संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया। किसने? हर्बर्ट रिजले, डॉक्टर हट्टन और मजूमदार ने, ठीक है। इरावती कर्वे तथा के एम कपाड़िया ने विवाह, परिवार और नातेदारी जैसी संस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया। मजूमदार ने जाति व्यवस्था, ग्रामीण भारत तथा मध्य भारत, उत्तर प्रदेश व बंगाल के जनजातीय समाजों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को समझने का प्रयास किया और संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण जैसी अवधारणाओं का विकास किया। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे और डॉक्टर ए आर देसाई ने ग्रामीण समाज की प्रकृति को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत प्रतिपादित किया। मतलब अर्थशास्त्र का जो संस्थापक सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? आपका राधा कमल मुखर्जी ने। इसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक मूल्य और परंपराएं आर्थिक जीवन को काफ़ी प्रभावित करती हैं। उन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। डॉक्टर डी पी मुखर्जी ने अर्थशास्त्र से संबंधित प्राचीन ज्ञान को इतिहास और समाजशास्त्र से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण पर अपने विचार प्रस्तुत किए। भारत में समाजशास्त्र के विकास में उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त डॉक्टर पी एच प्रभु, डॉक्टर यूएस अटल, प्रोफेसर एम एस ए रॉय, डॉक्टर आर एन सक्सेना, डॉक्टर ब्रजवान चौहान आदि विद्वानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो यह है आपका क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन था आपका, जो 2022 के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन बच्चों ने भी लाइक नहीं किया वो लाइक करें, ठीक है।